इसको सेल आउट करने की सोच रहा हूँ। तो ब्लॉग लेके आओ आप चैनल पे या नहीं लेके आओ। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है ना, तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, कमेंट नहीं मतलब मेरे ही मन की बात मान लो, मतलब मैं इसको सेल आउट करने की सोच रहा हूँ क्योंकि यार टाइम मिलता नहीं है, तो चलाने के लिए खड़ी रहती है बेचारी है। अभी मुश्किल से इसको करीब 4-5 महीने बाद निकाला हुआ। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी, शायद से क्या वीडियो बनाई थी मैंने, मुझे खुद याद नहीं है। मैं चैनल पे जो लास्ट वीडियो KTM की होगी ना, जिसके उसी में लास्ट वीडियो बनी है KTM की। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ पहले तो मुझे सेल आउट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर सेल आउट नहीं करनी है तो बड़ा मोटो ब्लॉग लेके आओ चैनल पे, नहीं लेके आओ ये बताओ। हाँ, और वैसे भी ना कुछ लोगों का मानना है ये क्या KTM अभी कल परसों बाइकर से मिले थे हम, शायद से अरुण साहब वाला था, शायद से वो भी कह रहा था कि छपरी KTM चलाते हैं, ऐसा कुछ है। तो मुझे भी अंदर से फील आया कि यार मैं छपरी ना लगूं, इसलिए मैं सेल आउट करने के लिए सोचा। मेन इसका रीज़न यही है कि लोग इसको छपरी छपरी बोलने लगे आजकल। बाकी गाड़ी आई थी 2018 में ली थी मैंने, वही अभी तक चलिए शायद से मैं बताता हूँ आपको। ग्यारह हज़ार किलोमीटर चली है एप्रोक्स, ठीक है। तो मेरी इसकी डिमांड है दुलवा दो आप, ढाई लाख की तो ली थी, सॉरी 1,80,000-1,70,000 रुपये दुलवा दो, मैं बेचने की सोच रहा हूँ उसको। बाकी है जो अगर इसमें कमेंट करीब करीब 25-30 कमेंट आ गए ना कि मोटो ब्लॉगिंग लेके आओ भैया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की डिमांड हो रही है आजकल कि भैया KTM की वीडियो बनाया करो, KTM की वीडियो बनाया करो। तो मैं सोच रहा हूँ KTM की वीडियो बनाऊँ, पर है ना कुछ लोगों ने ये बोल दिया कि छपरी लगता है इसमें, छपरी छपरी बोलते, यहाँ तक मेरा एडिटर भी मुझे छपरी बोलने लगा आजकल। अब बताओ आप लोगों के ऊपर फैसला छोड़ रहा हूँ। और भाई सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। आप वीडियो लाइक करोगे ना तो उसकी रीच बढ़ेगी ना, तो आगे तक जाएगी। अब वीडियो लाइक नहीं करते हो तो वीडियो ज़्यादा आगे तक जाती ना। अगर इस वीडियो में 25 लाइक आए ना, 25 लाइक का डिमांड कर रहा हूँ उस वीडियो, मैं मोटो ब्लॉगिंग लाना शुरू कर दूंगा इस पर। अभी मैं सेटअप लेने की सोच रहा था, मैं कैमरा वैमरा लेके आया हूँ, इसलिए माइक लेने की सोच रहा था, पर आप लोग जो कहोगे ना वही करूँगा मैं। बाकी अंदर से तो मेरा मन इसको सेल आउट करने का ही है यार। बाकी ना मैं एक्सपेक्टेड प्राइस मैंने बता दी 1,70,000-1,80,000। किसी को पसंद आए नंबर, ये मथुरा का नंबर है, चाहे वो बाहर का हो मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है। और बाकी अगर है ना नहीं बेची ना मैंने, तो आपके आप बताओ क्या कहते, तो मुझे मॉडिफिकेशन करवानी नहीं करवानी चाहिए। मेरे चैनल पे R15 की वीडियो आएगी अभी कुछ दिनों में, जल्दी आ जाएगी, शायद इससे पहले ही आएगी, तो उसको देखना उस टाइप से मैं मॉडिफिकेशन करवाऊँ या ना करवाऊँ, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तब गाड़ी में कोई कमी नहीं है अभी तक, भले पहली सर्विस करवाई थी वो अप्रॉक्स में 2,500 रुपये की पड़ी थी मुश्किल से, उसके बाद सर्विस नहीं करवाई क्योंकि लाने का मौका ही नहीं मिला। कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट आए, नेगेटिव कमेंट नहीं आए ना, तो मैं इसको सेल आउट नहीं करूंगा। तो जैसे कि आप मेरी R15 वाली वीडियो देखोगे चैनल पे XBN ब्लॉग्स की, तो उन्हें ग्राफिक्स जो लगवाए अपनी R15 पे ना, तो वैसे ही ग्राफिक्स लगवा के मैं तो छपरी टाइप नहीं लगने दूंगा, बिल्कुल बढ़िया सी कर दूंगा। और मोटो ब्लॉगिंग एक नंबर लेके आऊंगा सभी, भी छोटे बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है मेरे पास कि भैया KTM के ऊपर वीडियो बनाओ, KTM के ऊपर वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने आज KTM निकाली, हमें टाइम मिला था तो KTM निकाली। और बस आपका ओपिनियन चाहिए मुझे, कुछ नहीं, क्योंकि आप ही मेरे सपोर्टर हो और आपकी वजह से ही मैं हूँ, आप हो तो मैं हूँ, मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और क्या कहूँगा, बाकी सब ठीक है, मतलब अभी तक है ना बाइक वैसी की वैसी बड़ी, जो मैंने जब से ली थी ना कुछ भी काम नहीं करवाया इसमें अभी तक भी, स्टॉक है मतलब पूरी बाइक, एक चीज़ भी चेंज नहीं करवाई मैंने आज तक। तो बस यही कहना चाहूंगा भाई, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चिल्ड्रन बाय।